शाहिद अफरीदी की किताब गेम चेंजर्स की असलियत सामने आ गई। आपको आज बताती चलूं कि शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब गेम चेंजर में क्या लिखा है। तफसीलात के मुताबिक साबिक कप्तान बूम बूम अफरीदी की किताब गेम चेंजर्स के इक्तिबासात मंजर आम पर आ गए। में अफरीदी ने साबिक कोचेस जावेद मियां दाद और वकार यूनुस को आड़े हाथों लिया है। Oh my God. जावेद मियां दाद को छोटा आदमी करार दे दिया। Oh no. शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब में सियासत, वन मैन शो, पसंद नापसंद और कयादत के लिए मारा मारी, पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या होता रहा और साबिक खिलाड़ियों से मुतल्लिक सनसनी खैज इंकशाफात किए है। शाहिद अफरीदी ने साबिक कोच और लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियां दाद को छोटा आदमी करार देते हुए कहा कि इन्हें मेरा बैटिंग का स्टाइल पसंद नहीं था। Oh, no. भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में वसीम अकरम ने जबरदस्ती शामिल कराया, लेकिन जब सेंचुरी बनाई तो बोले मेरी तारीफ कर देना। पूरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनुस को आम दर्जा का कप्तान और होलनाक कोच करार दिया। oh, yes. अफरीदी का कहना था कि वकार यूनुस ने कभी टीम को यकजा नहीं किया। oh, no. वकार यूनुस ड्रेसिंग रूम में सियासत को खत्म करने के लिए कभी नहीं लड़े। अफरीदी ने मजीद इंकशाफात करते हुए कहा कि 2003 में वसीम अकरम और वकार यूनुस में कयादत के लिए जंग थी। इमरान खान को भी नहीं छोड़ा। शाहिद अफरीदी ने कहा कि इमरान खान अपनी कप्तानी में किसी को पसंद नहीं करते। लीडरशिप का स्टाइल महाज आराई वाला था, लेकिन पर्सनल नहीं होते थे, इसी अंदाज में काबीना चला रहे हैं।